हमारे देश के दिल में एक पेड़ उगता है, बहुत पुराना और बुद्धिमान, कर्म वृक्ष। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, जो हमारे पूर्वजों की कहानियां संजोए हुए हैं। इसकी शाखाएं आकाश की ओर जाती हैं, ब्रह्मांड से प्रार्थनाएं करती हैं। ब्रह्मांड से डिग्ध। बहुत समय पहले हमारे देश ने एक भयानक सूखे का सामना किया था। सूरज बेरहमी से चमकता था, धरती को झुलसा देता था, नदियां सूख गईं और फसलें मुरझा गईं। लोग राहत के लिए बेताब थे। पीड़ित लोगों में अमरा नाम की एक महिला रहती थी, एक मां। उसका दिल अपने भूखे बच्चों के लिए दर्द से भरा था। उसने प्रकृति देवी से पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। उसने विनती की, कृपया मेरे बच्चों को बचाओ, हमारी भूमि को बचाओ। रे बच्चों, भी मैमाई ही सम बिशिनो से थी। देवी ने अमारा की हार्दिक प्रार्थना सुनी। वह अमारा के सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें करुणा से भरी हुई थीं। उसके हाथ में एक चमकदार बीज था। इस बीज को लगाओ, देवी ने निर्देश दिया, और इसे प्यार से पोषित करो। भाग 5, जीवन का पोषण। अमरा ने कांपते हाथों से बीज लिया। उसने इसे सावधानी से लगाया और अपने आंसुओं से सींचा। दिन रात उसने बीज को गाया, उसमें अपना प्यार और आशा डाली। धीरे धीरे धरती से एक छोटा सा अंकुर निकला। भाग 6, एक भरपूर आशीर्वाद। यह कहानी है अमारा की, जिसने अपने अथक प्रयास और अटूट भक्ति से एक छोटे से बीज को एक विशाल पेड़ में बदल दिया। अमारा की अटूट भक्ति से पोषित होकर अंकुर तेजी से बढ़ा। हर दिन वह उस छोटे से पौधे की देखभाल करती, उसे पानी देती और उसकी रक्षा करती। यह एक शानदार पेड़ के रूप में खिल गया, जो अब अपने पूरे वैभव में खड़ा था। उसकी पत्तियां हरी भरी और शाखाएं मजबूत हो गईं। इसकी शाखाएं फलों से लदी हुई थीं। हर मौसम में यह पेड़ अपने मीठे और रसीले फलों से भरा रहता था, जो सभी के लिए एक वरदान था। पेड़ की पत्तियों ने छाया दी, जो गर्मी के दिनों में ठंडक और आराम प्रदान करती थी। लोग इसके नीचे बैठकर सुकून महसूस करते थे। इसकी जड़ों ने पानी लाया, जो दूर दूर तक फैली हुई थीं। ये जड़ें जमीन के भीतर गहराई तक जाकर पानी को सोखती थीं और पेड़ को जीवन देती थीं, और इसके फलों ने पोषण दिया। गांव के लोग इन फलों को इकट्ठा करते और उनका आनंद लेते। ये फल उनके लिए भोजन और ऊर्जा का स्रोत बन गए। भूमि और उसके लोग बच गए। इस पेड़ ने न केवल पर्यावरण को समृद्ध किया, बल्कि समुदाय को भी एकजुट किया। यह वास्तव में एक भरपूर आशीर्वाद था। भाग 7, कर्म की विरासत। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक प्राचीन पेड़ ने लोगों के जीवन को बदल दिया। लोगों ने पेड़ का नाम कर्म रखा, क्योंकि यह पेड़ उनके लिए केवल एक पेड़ नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था। इस पेड़ ने उन्हें निस्वार्थ कार्यों की शक्ति सिखाई। इसके नीचे बैठकर उन्होंने एक दूसरे की मदद करने का महत्व समझा। उन्होंने सीखा कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा और प्रेम खिल सकते हैं। जब भी गांव में कठिन समय आता, लोग इस पेड़ के पास आते और नई ऊर्जा पाते। अमारा का अटूट विश्वास और समर्पण प्रेरणा का प्रतीक बन गया। वह गांव की सबसे बुद्धिमान महिला थी, जिसने अपने ज्ञान और धैर्य से सभी को प्रेरित किया। उसने उन्हें वह शक्ति दिखाई, जो एक मां के हृदय में बसती है। अमारा ने अपने बच्चों को सिखाया कि सच्ची शक्ति प्रेम और करुणा में है। उसके इस संदेश ने पूरे गांव को एकजुट कर दिया। इस पेड़ के नीचे गांव के लोग त्योहार मनाते, बच्चे खेलते और सभी मिलकर खुशियां बांटते। कर्म का यह पेड़ उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया था। इस प्रकार कर्म का यह पेड़ उनके लिए केवल एक प्राकृतिक संरचना नहीं, बल्कि
एक विरासत बन गया। यह पेड़ उन्हें हमेशा याद दिलाता कि निस्वार्थता, प्रेम और करुणा ही सच्ची विरासत है। भाग 8, एक कालातीत संदेश। यह कहानी हमें एक ऐसे समय में ले जाती है जब मनुष्य और प्रकृति के बीच का संबंध अटूट था। कर्म वृक्ष की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सभी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। यह हमें सिखाती है कि हमारे हर कार्य का प्रभाव हमारे चारों ओर के पर्यावरण पर पड़ता है। जब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और संतुलन पाते हैं। यह हमें करुणा, दृढ़ता और निस्वार्थ सेवा के महत्व को सिखाता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम न केवल उनके जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि अपने जीवन को भी समृद्ध करते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें दृढ़ता की आवश्यकता होती है। आइए हम अपने भीतर दया के बीज बोएं और उन्हें एक बेहतर कल में खिलते हुए देखें। जब हम अपने दिल में दया और प्रेम के बीज बोते हैं तो हम एक सुंदर और समृद्ध भविष्य की नींव रखते हैं। यह बीज हमारे कार्यों और विचारों के माध्यम से बढ़ते हैं और हमारे चारों ओर की दुनिया को प्रभावित करते हैं, क्योंकि देने में ही हमें मिलता है और प्यार करने में ही हम सच्चे मायने में जीते हैं। जब हम दूसरों को खुशी और प्रेम देते हैं तो हम अपने जीवन में भी वही खुशी और प्रेम पाते हैं। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची खुशी और संतोष दूसरों की सेवा और प्रेम में निहित है। आइए हम इस कालातीत संदेश को अपने जीवन में अपनाएं और एक बेहतर दुनिया का निर्माण करें।